नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी ललन टॉप पर। आज किस्सा गोई में एक किस्सा लोक के रंग में रंगा हुआ। तो एक बार की बात है, एक जंगल में डाकू रहते थे और उस जंगल के बीचों बीच से एक रास्ता जाता था। उस रास्ते पर बसें चलती थी, तो हर बार बस जब उस जगह पर पहुंचने वाली होती जहां डाकू थे, उससे पहले एक जगह पर रुक जाती सुरक्षित स्थान पर, रात भर वहीं रुकती और सुबह जब अंधेरा कम हो जाता तो वहां से आगे रवाना होती। तो एक बार की बात है, एक बस जा रही थी उसी रास्ते पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंची तो ड्राइवर ने कहा कि भाई सब लोग यहां रुक जाएं, गाड़ी सुबह रवाना होगी क्योंकि बीच में डाकुओं का स्थान है। इस पर बस में एक पहलवान नुमा आदमी बैठा हुआ था बंदूक लेकर। उसने कहा कि अरे मैं पहलवान हूं, लंबा चौड़ा आदमी हूं, मेरे पास ये बंदूक है, तुम लोग डाकुओं से डरते हो, आगे बढ़ाओ बस, कुछ नहीं होगा, मैं रोक लूंगा। सबने उसे समझाया कि भाई आप ठीक है, आप पहलवान हैं, आपके पास बंदूक है, लेकिन डाकू तो डाकू हैं, आप ऐसा मत करें, यहाँ रुक जाएं, कल सुबह हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो कहने लगा नहीं नहीं मुझे जल्दी है, मुझे पहुँचना है और आप लोगों को भी तो जल्दी है, आप लोगों को भी जल्दी पहुँच जाएंगे तो अच्छी बात है। अब बस वालों को ये इत्मीनान हुआ कि भाई ये इतना बड़ा आदमी है, बंदूक लिए हुए है, मजबूत आदमी है, अगर ये कह रहा है तो इसकी बात में दम होगा और जल्दी पहुंच जाएं तो क्या नुकसान। इस पर सब ने कहा कि चलें बस आगे ले चलें, तो ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और आगे ले गया। इसके बाद अब जब डाकू का स्थान पास आने ही वाला था तो ड्राइवर ने फिर से उससे कहा कि अभी भी वक्त है, अभी आप कहें तो हम वापस बस घुमा लें। इस पर उसने फिर से कहा कि मेरे पास बंदूक है, मैं पहलवान हूँ और तुम लोग डाकुओं से डर रहे हो, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, आने दो डाकुओं को। बस थोड़ा और आगे बढ़ी और अब डाकू वाले स्थान पर पहुंच गई और सामने डाकू नजर आ गए। बस में जितने लोग बैठे थे सब घबरा गए, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब ने बड़ी हसरत भरी निगाह से उस पहलवान की तरफ देखा। उस पहलवान ने फिर बेनियाजी से कहा, अरे अभी डाकू सामने देख रहे हैं तो क्या हुआ, इनको जरा मेरी तरफ बढ़ने तो मैं सबको देख लूंगा। डाकू आए, बढ़ने लगे, फिर से इसने कहा, अरे बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, बस में चढ़ने दो, मैं देख लूंगा। बस में चढ़ने लगे तो फिर सबने इसकी तरफ देखा, फिर इसने कहा मेरे पास बंदूक है, इनको आने दो, अगर इन्होंने लूटपाट की तो मैं इन्हें देख लूंगा। डाकुओं ने लूटपाट शुरू कर दी, फिर से सबने इसकी तरफ देखा, ये पहलवान बोला कि लूटपाट कर रहे हैं तो क्या हुआ, इनको ये सामान बस से उतरने दो, ये उतर ही नहीं सकते, सामान को लेकर जा ही नहीं सकते, अगर ये जाएं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डाकुओं ने सामान लूटा, वो बस से उतरने लगे, जाने लगे। अब सब ने फिर इसकी तरफ गुस्से से देखा तो ये पहलवान बोला कि बड़े बदतमीज डाकू हैं, मेरी बंदूक का भी लिहाज नहीं किया, मेरे जिस्म का भी लिहाज नहीं किया, मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, इतने सारे लोगों की फरियाद का भी लिहाज नहीं किया और लूटपाट करके चले गए, बड़े बदतमीज डाकू हैं। शुक्रिया जी।